गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे इज नेक्स्ट पॉइंट चैप्टर नंबर फर्स्ट सोर्सेज ऑफ फूड. इसमें प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने देखा कि सोर्सेज ऑफ फूड प्लांट्स देखे थे, जिसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के पार्ट्स जो एडिबल पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपन उसमें यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिनसे अपने को एनर्जी मिलती है. तो अपन ने प्रीवियस क्लास में कुछ रूट्स, जिन जिन प्लांट्स की रूट्स यूज करते हैं उसके एग्जाम्पल, स्टेम किसका यूज करते हैं उसके एग्जाम्पल, लीव्स किन किन प्लांट्स की अपन कंज्यूम करते हैं जिससे एनर्जी मिलती है उसके एग्जाम्पल, ऐसे फ्लावर्स का देखा था कि कौन कौन से प्लांट हैं जिनके फ्लावर्स यूज किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं एज ए फूड. फिर फ्रूट्स देखे, वेजिटेबल, सीड्स और नट्स. ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट पार्ट थे जिनको एडिबल पार्ट्स कहें, और ये अपन ने यूज करे थे एज ए फूड एनर्जी. इसके अलावा एक्टिविटी टू ये है कि आप इसमें फिल कर सकते हैं और भी प्लांट्स के नेम, जिनके क्या क्या एडिबल पार्ट्स अपन कंज्यूम करते हैं एज ए फूड, जिससे कि अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है. ठीक है, जैसे बनाना के लिए दे रखा है, फ्रूट भी यूज किया जाता है बनाना, और फ्लावर भी यूज किया जाता है कंज्यूम करने के लिए. तो आप ऐसे टेबल मेंटेन कर सकते हैं. एक्टिविटी थ्री है अपने, जो मूंग सीड से अपन जो स्प्राउट्स प्रिपेयर करते हैं, आपके घर में मम्मी करती होगी स्प्राउट्स. इसमें क्या करते हैं अपन, ग्राम सीड को या मूंग सीड्स को अपन क्या करते हैं, वाटर में डिप करते हैं, और वाटर में डिप करने के बाद में उसको कॉटन क्लॉथ्स में बांध कर 1 डे या 2 डेज के लिए उसको रख देते हैं. तो उसमें वाइट वाइट स्ट्रक्चर्स आने लगती है, वो मूंग बीन्स और ग्राम सीड्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे. ठीक है, तो उनमें वाइट स्ट्रक्चर दिखने लगती है, वो स्टेज, उसको क्या कहते हैं, स्प्राउट्स. स्प्राउट काफ़ी अच्छा विटामिन का अच्छा सोर्स है, काफ़ी हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइजेशन के हिसाब से भी सही रहते हैं. ठीक है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो अपने को इनको यूज करना चाहिए स्प्राउट्स को अपनी डेली लाइफ में. ये भी एक प्लांट पार्ट, ये सीड्स हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी फूड के वे में यूज कर सकते हैं, जिससे कि अपनी बॉडी ग्रोथ प्रॉपर हो. डू यू नो में दे रखा मशरूम. मशरूम भी देखिए काफ़ी जगह यूज किया जाता है खाने में. ठीक है, मशरूम भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं टॉक्सिक पॉइजनस, उन मशरूम्स को यूज नहीं किया जाता. बाकी कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो कि गुड होते हैं, टेस्ट में भी अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, बेनिफिट्स रहते हैं. तो ये मशरूम जो है ना, तो प्लांट है नहीं एनिमल है, इसको कहते हैं फंगी. ठीक है, ये क्या है, एक फंगी है, इसको एज ए फूड कंज्यूम किया जाता है. ये अपने क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं. ठीक है, आपने जहाँ तक ये टू क्वेश्चंस अपने साइंस रिकॉर्ड में कर लिए होंगे. आज देखते हैं अपन फूड फ्रॉम एनिमल. ठीक है, कि जैसे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जो एडिबल पार्ट्स थे, ठीक है, जिनसे अलग अलग टाइप का फूड मिल रहा था, वैसे ही अपने को एनिमल्स के क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एनिमल से किस किस वे में अपन क्या लेते हैं एज ए फूड कंज्यूम करते हैं. तो इसमें देखिए, सबसे पहले मिल्क, अपन काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिनका मिल्क यूज करते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट्स, ठीक है, शेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उनसे अपन मिल्क के वे में भी, और मिल्क से ये डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, बटर, चीज़, घी, कर्ड, आइसक्रीम एक्सेट्रा. ठीक है, और स्वीट्स भी बनती हैं अलग अलग वे से. तो ये सब चीज़ें क्या है, मिल्क के वे में अपन एनिमल से मिल्क लेते हैं. फिर नेक्स्ट है एग. एग भी एनिमल्स से ही अपने को मिलते हैं, जैसे हैंस है, टर्की है, डक्स है, इनके एग क्या होते हैं, हाईली रिच होते हैं, प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, विटामिन का अच्छा सोर्स होता है. तो ये भी अपने को एज ए फूड एनिमल से ही मिलते हैं. मीट, काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जिनका एज ए मीट खाया जाता है, जो कि प्रोटीन का और भी कई टाइप के विटामिन मिनरल्स का सोर्स है, जैसे हैन है, चिकन है, डक्स, गोट्स हैं, ठीक है, एंड फिश. इनको एज ए मीट के पर्पज से यूज किया जाता है. ऐसे हनी है, हनी को भी अपन यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स से मेडिसिन पर्पज से. ठीक है, और ये हनी भी से अपने को मिलता है. हनी भी क्या करती है, फ्लावर के जो नेक्टर होता है, फ्लावर का जो जूस होता है, स्वीट जूस जिसको नेक्टर कहते हैं,
उसको एब्जॉर्ब करके लाती है, और हनी बी को आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स पे बैठती है और उसका नेक्टर एब्जॉर्ब करती है और उसमें अपना सलाइवा मिक्स करके उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, हनी में। और उस हनी को हाइव में डिफरेंट टाइप के चेम्बर्स में स्टोर कर लेती है, और उस हनी को अपन क्या कर सकते हैं, एज ए फूड यूज कर सकते हैं, मेडिसिन पर्पज से भी, और काफ़ी हेल्दी रहता है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन देखेंगे कि कुछ एनिमल्स क्या फूड कंज्यूम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स की कैटेगरी देखेंगे, डिफरेंट टाइप की हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्क्वेंजर्स, ऐसे करके फूड टाइप्स की कैटेगरी अपन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल जो कि क्या क्या फूड कंज्यूम करते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो मीट खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डेड बॉडीज पे सर्वाइव करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।